तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए देखिए बापूजी क्या गाना गा रहे हैं। कहीं का फिल्मी गाना गा बापूजी, गाना तो गा ही रहे लेकिन गाने के बोल तो सुनिए। चटिया क्या हुआ भाई? आधी रात को नींद में गाना गा रहा है और मुझसे पूछता है क्या हुआ? मैं गाना गा रहा था। लगता कोई सपना देख रहा था। सपने में ऐसा क्या देख रहे थे? नहीं कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं बापूजी। जेठिया कौन है वो? कौन? वही बेवफा। अरे बोल। नट्टू काका और बाघा। नट्टू काका और बाघा भाई, सपने में मैंने देखा कि वो दोनों हमारी दुकान छोड़ के किसी और के लिए काम करने जा रहे हैं। नट्टू काका और बाघा हमारी दुकान छोड़ के किसी और के लिए काम करने जा रहे हैं और तुझे हाइश हो रहा है? नहीं सॉरी, मतलब मत्ते जी आप क्या कह रहे हैं? नट्टू काका और बाघा भाई हमारी दुकान छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे बहू कोई कहीं नहीं जा रहा है, बेटे ने सपना देखा है। नट्टू और बाघा ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते क्या बापूजी? वो दोनों ने सच में ऐसा सोच लिया है। चलो अभी जो भी हुआ वो बुरा सपना था, भूल जाओ उसे और शांति से सो जाओ। गुड नाइट। चलिए टप्पू के पापा, आप माता जी का नाम लेते लेते सो जाए ताकि क्या है ऐसे बुरे सपने नहीं आएंगे, अच्छे विचार ही आएंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घोड़े बेच के सो जाइए, सब अच्छा ही होगा। और क्या है अभी आप जल्दी सो जाएंगे ना तो कल सुबह जल्दी उठ पाएंगे, और कल सुबह जल्दी उठेंगे तो आप समय से दुकान जा सकेंगे, है ना? सोना नहीं है? तू बोलना बंद करे तो सो ना, कितनी बार मैं ऐसे नीचे ऊपर हूँ। गुड नाइट। सुनते हो? गुड नाइट। गुड नाइट बोला मैंने। टप्पू के पापा गुड नाइट। अभी शोर सोने दो। सॉरी सॉरी, उससे अच्छा गुड नाइट बोल दिया होता तो मुझे कितना अच्छा लगता। अच्छा कल नट्टू काका और बाघा छेड़ा के यहाँ जाते हैं कि नहीं ये अब पता लगा नहीं पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, मूड ठीक नहीं है? पेट में गड़बड़? सॉरी सॉरी। अरे जो भी टेंशन है उसको भूल जाओ और मुस्कुराओ। क्या है चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ना तो अच्छे विचार आएंगे। एक काम करो ना, मेरे साथ सुविचार लिखने चलो। अच्छा सुविचार पढ़ोगे ना तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। आओ आओ। अभी जैसे ही सुविचार पढ़ोगे ना देखना तुम्हारा मूड कैसे एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। अरे एक मिनट भिड़े, मुझे एक अच्छा सुविचार सुझाए।
मैं लिखता हूँ। ओहो क्या बात है, देखा सुविचार का नाम सुनते ही तुम्हारा मूड कितना अच्छा हो गया। लिखो लिखो। किसी पे भी आग बंद करके भरोसा मत करो, आज की दुनिया में लोग भरोसा आसानी से तोड़ देते हैं। ये क्या लिखा है तुमने? ये सुविचार नहीं कुविचार है। कुविचार? हाँ। आज की दुनिया में जब लोगों को एक दूसरे पे भरोसा करने की जरूरत है, वहाँ पे तुम लिख रहे हो कि भरोसा मत करो। देख बेड़े, ये कोई पुस्तक या ज्ञान नहीं है, ये जमाने के अनुभव से सीखी हुई हकीकत है। और हकीकत हमेशा करेले की तरह कड़वी ही होती है। जेठालाल, जमाने का अनुभव हमने भी किया है, लेकिन तुम्हारा ये सुविचार निगेटिव है। भाई बेड़े, तू ठहरा सीधा साधा शिक्षक आदमी, तेरा पनारा क्या है? सिर्फ छोटे छोटे विद्यार्थियों से पढ़ता है। तुझे पता नहीं है दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और दुनिया कितनी बदल गई है। जेठालाल, दुनिया मैंने भी देखी है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये सुविचार मैं नोटिस बोर्ड पे रहने नहीं दे सकता। एक मिनट भाई, क्यों नहीं रहने दे सकता? ये नोटिस बोर्ड तुम्हारा पर्सनल नहीं है भाई, सोसाइटी का है। इसमें सोसाइटी का मेंबर जो जी चाहे वो लिख सकता है। सॉरी जेठालाल, जो जी चाहे वो लिखने की परमिशन मैं नहीं दे सकता। अरे परमिशन देने वाला तो है कौन? सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं। वही सोसाइटी का सेक्रेटरी है दोस्त, मालिक नहीं है। हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव का मतलब मालूम है तुझे? है? सोसाइटी में सब बराबर के हिस्सेदार है, ना कोई मालिक ना कोई नौकर। इसमें मालिक और नौकर की बात कहाँ से आ गई? तेरा मालिक जैसा बर्ताव की वजह से। जेठालाल, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे नेगेटिव सुविचार नहीं लिख सकते। तुम्हारे इस सुविचार से नकारात्मकता झलक रही है। किधर किधर है नकारा, मुझे बता, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही है। तुम्हें भरोसा तोड़ चुके, किस बात की बहस कर रहे हो भाई? इसको समझाइए मेहता साहब, मैंने बढ़िया सा सुविचार लिखा तो बोल रहा है सुविचार नहीं को विचार है, इसमें से नकारात्मकता झलकती है। अच्छा, अभी आप ही बताइए इसमें कुछ नकारात्मक है? बिल्कुल झलकती है। मेहता साहब, आप पढ़ो क्या लिखा है। ऐसा क्या लिखा है भाई? किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि आज की दुनिया में लोग भरोसा आसानी से तोड़ देते हैं। आप ही बताइए इसमें क्या गलत है? दुनिया में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की लिख दी है। यार आपको कहां पूछा, आपकी तो दुनिया ही अलग है। मतलब इसमें आप मात्रा की भूल कहां निकाल रहे हैं? मानुष मात्रा भूल ना पात्रा। अरे एक मिनट है भाव, जरा शांतता ठेवा। आप ये बताइए इसमें कुछ नकारात्मकता है? देखो बेटे, जेठालाल की बात का बुरा मत मानना, इन दिनों क्या है कि बिजनेस के प्रेशर की वजह से थोड़ा काम का दबाव है, उसमें से जेठालाल की मनोदशा ठीक नहीं है। लेकिन मेहता साहब, मनोदशा का और सुविचार का आपस में क्या लेना देना? मनोदशा इंसान की होती है, सुविचार पूरे दुनिया के लिए होता है ना। माना सुविचार दुनिया के लिए होता है, लेकिन मनोदशा का सुविचार से लेना देना है भिड़े, क्योंकि मनोदशा ही विचार में और अंततः विचार ही शब्दों में तब्दील होते हैं। एक मिनट मेहता साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये सुविचार में कोई नकारात्मकता है कि नहीं। जेठालाल, वही बता रहा हूँ। देखो भिड़े, जेठालाल ने जो लिखा है वो विचार बिल्कुल सही, बस शब्दों का गलत चयन कर लिया। अगर इन्हीं शब्दों को बदल दिया जाए तो सारी बात ठीक हो जाएगी और ये सो विचार दुनिया के लिए हो जाएगा जैसा तुम चाहते हो। जैसे मैं बताऊं? चौक। हाँ ये ले। हाँ हाँ। भरोसा रिश्ते कभी न तोड़े, क्योंकि इन्हें बनाने में वर्षों लगते हैं। हाँ ये सही। हाँ अच्छा हुआ मान गया, बिना वजह की बहस कर रहा था ये। मैं बिना वजह की बहस कर रहा था और नहीं तो क्या। जेठालाल, तुमने जो सुविचार लिखा था उसमें से नकारात्मकता झलक रही थी, मैं वही तो बोल रहा था भाई, वो निगेटिव था। अरे देखो अभी वापस आ रहे, अभी तो तुमने हाँ ये बराबर है बोला, अभी बोल रहे ये तो गलत है ना भिड़े। अभी क्या कर रहे हो आप लोग, बहस मत करो जेठालाल, वैसे भी त्योहार के दिनों में दिमाग को शांत और मन को प्रफुल्लित रखना चाहिए भाई। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। तो जेठालाल, अभी त्योहार आ रहे, दिमाग को शांत और मन को प्रफुल्लित रखो। तुम भी।
हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चलो फिर शाम को सोडा शॉप में मिलते हैं। चलो सी यू, बाय 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 बाय। ओके तो बाय, मजा संगती ना है? क्या क्या बात है। तुम भी क्या जेठालाल, नट्टू काका और बागा का गुस्सा भिड़े पे क्यों उतार रहे हो भाई? नट्टू काका और बागा की तो बात ही मत करो मेहता साहब, उन दोनों ने तो मेरा दिमाग हिला दिया। कल रात को उनकी वजह से ठीक से नींद भी नहीं आई। ये तो मैं हूँ जो अभी तक शांत बैठा हूँ, मेरी जगह कोई और होता ना तो कल के कल नौकरी से निकाल दिया होता दोनों को। और नौकरी से निकालने से क्या हो जाता जेठालाल, और क्या हो जाएगा? नौकरी से निकालना इस समस्या का समाधान नहीं है जेठालाल। वो देखो सोड़ी जा रहा है, सोड़ी भी एक गैराज का मालिक है, उसके पास भी लोग काम करते हैं, उसी से पूछो कि उसके यहाँ ऐसी स्थिति हो जाए तो वो क्या करे। अरे भाई सोड़ी, और दो बेस्ट फ्रेंड आपस में क्या गपशप लगा रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटी। ओ मेरा ना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा छोटी, हां जी, एक बात बता। ओ पूछो। तेरा जो गैरेज है छोटी गैरेज, उसमें तेरा सबसे भरोसे वाला आदमी कौन है? अपना गुल्लू। और कौन? उस पे तुझे पूरा भरोसा है? और ये उस पे पूरा 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 भरोसा है जी, गुल्लू हर काम कर सकता जी, और दुनिया की कोई भी गड्डी हो ना तो ऐसे रिपेयर कर देगा जी। मैं कोई भी काम गुल्लू के भरोसे छोड़ सकता हूँ जी। उसे तो अपने परिवार का सदस्य की तरह ही मानता है। और जी एकदम अपने परिवार का हिस्सा ही है जी, और हम लोग एक साथ बैठ के हमेशा खाना खाते हैं। और जी उसको रोशन डालेंगे हाथ के परांठे बड़े पसंद है, और मुझे परजाई जी की यानी उसकी वोटी के हाथ का बना हुआ है अभी से मुंह में स्वाद आ गया सरसों का साग। ठीक, अच्छा मान ले कि उसके साथ इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद वो तेरी दोस्ती का विश्वास तोड़ के छोटी गरज की जगह कोई लोटी गरज में काम करने चला जाए तो क्या करेगा? ओ गुल्लू ऐसा करेगा ना उन्हों तो मैं छटांगा नहीं। बस देख लिया? हाँ देख लिया, लेकिन जब तक तुम खुद अपनी आंखों से ना देख लो तब तक यकीन मत करो भाई, उसके बाद तुम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। ओ यारो तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं छोटी, हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि हमारा कोई भरोसे वाला आदमी अगर नौकरी छोड़ के चला जाए तो क्या करना चाहिए, और कुछ? हाँ बोलो। नट्टू कॉलिंग, नट्टू कॉलिंग। सेठ जी कम इन, सेठ जी कम इन। हाँ बोलो। सॉरी सेठ जी। सॉरी? हाँ आपको हिचकी आ रही है ना? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है सेठ जी, हम तो आपको कब से याद कर रहे हैं, ध्यान से देखे हिचकी आ रही होगी। हाँ सेठ जी। अरे नहीं आ रही है भाई, बोलो ना फोन क्यों किया। सेठ जी आप दुकान कब तक आ रहे हैं? क्यों? नहीं हम लोग शादी में जा रहे हैं ना, तो दुकान में मगन अकेला होगा। आप दुकान की ज्यादा चिंता मत कीजिए नटू काका, दुकान मेरी है, दुकान में कोई हो ना हो मैं उसे अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। यस वी नो सेठ जी, बट हम लोग फंक्शन निपटा के जल्दी आ जाएंगे। पक्का? हाँ पक्का। लेकिन सेठ जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है शादी का बहाना बना के आप दोनों कहाँ जा रहे हो। हेलो हेलो, इज इट ओवर एंड आउट? बागा आई थिंक सेठ जी इज ओवर एंड आउट। रख दीजिए फोन। ना मैं ओवर हुआ हूँ ना आउट हुआ, आउट तो मैं आप दोनों को करूंगा अगर आज मैंने आप दोनों को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लिया तो। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। मेहता साहब अभी रिक्शा मिले तो आप निकल जाना, आपको लेट हो रहा होगा। नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसे देखो आजकल मुझे छोड़ने पे ही तुला हुआ है। जेठालाल इतना फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दुकान पे छोड़ने की बात कर रहा हूँ, फिर मैं ऑफिस चला जाऊँ। हाँ बोलो अभी क्या है? सेठ जी एक रिक्वेस्ट थी। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ बोलो। सेठ जी एक रिक्वेस्ट थी। अरे वो आपने बोला आगे बोलो भाई। क्या रिक्वेस्ट थी ये तो आपने पूछा नहीं, मैं क्या की राह देख रहा था। अच्छा क्या है? सेठ जी कल हमारा पगार होने वाला है तो कल के बदले आज हो सकता है? अच्छा मतलब आज पूरा पैसा लेके छेड़ा के वहाँ शिफ्टिंग? क्यों कल की जगह आज ही क्यों? नहीं वो थोड़ी जरूरत थी। हाँ ठीक है। और सेठ जी बागा बोल रहा था
कि उसकी मोबाइल लेबर के 10,000 रुपया बाकी है, तो वो भी आज मिल जाए तो ठीक है। और सेठ जी, हाँ, आप 10 बजे तक दुकान में आ जाना, क्योंकि मगन अकेला दुकान नहीं संभाल पाएगा। अरे वो आप बोल चुके हैं और मैं सुन चुका हूँ, एक ही बात आप बार बार क्यों बोल रहे हैं नटू काका? और एक मिनट सेठ जी, अभी क्या है? नहीं, आज कैसे भी करके हिसाब क्लियर कर देना। हाँ, अरे ये भी आप बोल चुके हैं नटू काका, हर बात आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? फोन रखो, चलो। जी जी सॉरी। देखा देखा मेहता साहब? क्या देखा यार, तुमको वीडियो कॉल तो कर नहीं रहे हो ना? ये नटू काका और बाघा का कल पगार होने वाला है, तो नटू काका बोल रहे कि हम दोनों का जो भी हिसाब किताब है आज ही क्लियर कर दो। तो? अरे तो क्या मेहता साहब, जाहिर सी बात है, आज सारा हिसाब किताब क्लियर करके वो दोनों मेरे साथ अपना छेड़ा फाड़ के छेड़ा के साथ अपना छेड़ा जोड़ना चाहते हैं। जेठालाल, फिर वही बात, मैंने तुम्हें पहले भी कहा और एक बार फिर से कह रहा हूँ, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक यकीन मत करो भाई। ठीक, तो आज तो मैं अपनी आंखों से देख ही लेता हूँ, जाता हूँ छेड़ा की दुकान पे। और वहाँ छेड़ा से क्या कहोगे कि क्यों आए हो वहाँ पे, नटू काका और बाघा की जासूसी करने? एक काम करो, आप भी चलो मेरे साथ और आप भी अपनी आंखों से देखिया कि मैं छेड़ा से क्या और कैसे कहता हूँ। मुझे तो ऑफिस जाना है जेठालाल, इसलिए मैं चल नहीं पाऊंगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जो भी करो सावधानी से करो। वो तो पता है मेहता साहब, मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। ठीक है फिर मरो। क्या 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 कहा आपने? करो, जो भी करो सोच समझ के करो। हालांकि मैं तुम्हें समझा क्यों रहा हूँ, तुम कोई दूध पीते बच्चे थोड़े ही हो। चलो चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। 10 बजे छेड़ा की दुकान खुलती है, दुकान खोले उसके पहले ही वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ नटू काका और बाघा वहाँ आते हैं कि नहीं। फैसले की घड़ी आ गई है दोस्तों, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पीतल का पीतल सोने का सोना हो जाएगा। कुल मिला के मेरी बात का मतलब ये है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। जेठालाल हकीकत अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसलिए छेड़ा क्या रेड मारने जा रहे हैं। आप तो जानते हैं नटू काका और बाघा ने छुट्टी ली है शादी में जाने के लिए। अगर वो शादी में गए होंगे तो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होंगे, लेकिन अगर वो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मिले इसका मतलब ये है कि वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ रहे हैं, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब आएगा मजा। गड़ा और छेड़ा की जंग में नटू काका और बाघा किस ओर है ये पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मित्रों, एक विशेष बात, जैसा कि आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम स्वच्छता सेनानियों को पारितोषिक देते हैं, तो इस बार के स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार जा रहा है वीर सावरकर यूथ एसोसिएशन। नमस्कार, हम रायचूर वीर सावरकर यूथ एसोसिएशन रायचूर कर्नाटक से आया है। वीर सावरकर यूथ एसोसिएशन 10 साल से प्रारंभ हुआ, तब से हमारा संगठन सब लोग मिलके एक संकल्प करे स्वच्छ भारत होने का। स्वच्छ भारत होने का बोले तो हमारे मन से होने का। हमारे तरफ से तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरी टीम को धन्यवाद। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। और मित्रों, एक विशेष बात हो, गड़ा और छेड़ा की इस जंग का नतीजा जानने के लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस शनिवार भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक स्पेशल एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक 8:30 बजे। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।